हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग फॉर अ नेक्स्ट लेक्चर। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर चालू किया है। बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्लोली एंड स्टेडली हम कॉन्सेप्ट को आगे आगे लेके जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर तक आई होप आपने देखा रहेगा, क्योंकि मैं कुछ कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर से डायरेक्ट यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको लगेगा कि यार ये सर ने कहाँ से किया, डायरेक्टली कहाँ से किया। तो गो विद द सीक्वेंस सो दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। इसमें मैंने ब्लॉक एंड स्ट्रिंग वाले सम्स कवर किए। ओके, सो मैं लेट मी राइट सम्स बेस्ड ऑन ब्लॉक एंड स्ट्रिंग। ओके, ये टॉपिक हम अभी यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है बच्चों? सो लेट अस स्टार्ट विद ब्लॉक एंड स्ट्रिंग। तो यू कैन सी देयर आर थ्री ब्लॉक्स, 4 kg, 2 kg एंड 1 kg। ओके, स्ट्रिंग जो है वो लाइट है, इनएक्सटेंसिबल है। लाइट स्ट्रिंग रहेगा तो मैंने आपको बताया है कि थ्रू आउट टेंशन हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। पहले वाले लेक्चर आप देखोगे तो ये सब आपको पता चल जाएगा। और ये जो सरफेस है वो स्मूथ है। स्मूथ सरफेस का मतलब है कि भाई कोई फ्रिक्शन यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ओके, यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। अब मुझे थोड़ा आप सोच के बताइए, अगर मैंने इन तीनों ब्लॉक को ऐसे कनेक्ट किया और एक 14 न्यूटन फोर्स से ऐसे खींचना चालू किया, तो तीनों का एक्सेलरेशन सेम होने वाला है, यस और नो? तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होने वाला है, क्योंकि तीनों ब्लॉक ने मिलके क्या बनाया है, सिस्टम। और पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होती है, सेम होती है, बराबर है? तो सबसे पहले चीज तो आपको ये समझना है कि भाई कि ये एक पूरी सिस्टम है, ये तीन ब्लॉक और ये दो स्ट्रिंग मिला के एक सिस्टम बन रही है, और ये पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। तो आपने वो क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो गारंटेडली हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम ही होने वाला है, ठीक है? तो चलो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं लिखता हूं मेथड वन। दोनों मेथड में यहां पर बताता हूं, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स ऑन एक्स एक्सिस, बिकॉज द फोर्स इज एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज 14 न्यूटन। तो ये ऐसे ही मूव होने वाले, कोई वर्टिकल मोशन होने वाला नहीं है। तो टोटल फोर्स ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन इज ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, बराबर है बच्चों? एक्सेलरेशन जो होने वाला है वो एक्स एक्सिस पे ही होने वाला है। तो मुझे बताओ भाई कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस। तो एक ही फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन, वो भी उस तरफ लग रहा है तो पॉजिटिव है। टोटल मास कितना है, 4 + 2 + 1, दैट इज एल राइट 4 + 2 + 1 इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आएगा 14/7, दैट इज 2 m/s². इजी। मेथड टू में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स दैट इज टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। डायरेक्ट भी कर सकते हो, टोटल फोर्स कितना लग रहा है 14 और टोटल मास कितना है 7, तो आंसर 2 m/s² ही आएगा। तो मुझे लग रहा है काफी इजी है। एक बार आपको सिस्टम समझ में आ गई कि सिस्टम क्या होती है, जिन जिन का एक्सेलरेशन सेम है वो एक सिस्टम बना सकते हैं और अपन एक्सेलरेशन फटाक से फाइंड कर सकते हैं बच्चों इसका, बराबर है? नेक्स्ट मुझे टेंशन इन ईच ब्लॉक चाहिए, तो मैं FBD बनाऊंगा। तो चलो मैं पहले FBD बनाता हूँ। टेंशन दो है, एक तो यहाँ का टेंशन ले लेते हैं, दिस इज T2 एंड दिस वन इज T1। तो मुझे टेंशन फाइंड करने का है T1 एंड T2। तो चलो 4 kg वाला मैं FBD बनाता हूँ। FBD मतलब उस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे सारे बता दो। वर्टिकल कोई मोशन हो रहा है कि बच्चों? नहीं, तो वर्टिकल फोर्स में नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वर्टिकल नेट फोर्स कितना है, 0, ये ऑलरेडी अपने को पता है। तो बार बार आप दिखा के कन्फ्यूजन क्रिएट मत करो, नहीं तो उसका वेट दिखा रहे हो, नॉर्मल दिखा रहे हो, वो दोनों तो कैंसिल ही हो रहे हैं। तो वर्टिकल फोर्स यहाँ पे मैं नहीं दिखा रहा हूँ। मुझे इतना पता है कि यहाँ पे ऐसे टेंशन लग रहा है T2। ओके, 4 kg पे हॉरिजॉन्टल एक ही फोर्स लग रहा है T2, और ये मूव हो रहा है इस तरफ, इसका एक्सेलरेशन कितना है A, बराबर है? ये किसके लिए निकाला मैंने, 4 kg के लिए। और वही अगर मैंने 1 kg के लिए निकाला बच्चों, 1 kg के लिए, तो 1 kg पे आप देखो इस तरफ लग रहा है 14 newton, बराबर है? और इस तरफ लग रहा है T1। ओके,
इस तरफ लग रहा है 14 न्यूटन, टेंशन कैसे लगता है, हमेशा अवे फ्रॉम द ब्लॉक, है ना, ऐसे ब्लॉक है तो अवे फ्रॉम द ब्लॉक लगता है, तो इधर 14 लग रहा है, इधर T1 लग रहा है, मोशन उस तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन उस तरफ है, ठीक है। तो चलो इसके लिए लगा के देखते हैं, नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये बॉडी को बात करते हैं, नेट फोर्स कितना है T2, मास कितना है 4, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई 2, तो आंसर आएगा 8 न्यूटन। इधर आप लगा रहे हो नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना है नेट फोर्स 14 माइनस T1, बराबर है ना, ये 14 बड़ा है और माइनस T1 इज इक्वल टू मास कितना है 1 kg, एक्सेलरेशन 2 है, तो T1 इज इक्वल टू 14 माइनस 2, तो आंसर कितना आएगा 12 न्यूटन। तो मुझे लग रहा है कि ये जैसे हमने प्रीवियस टाइप में सम्स किए वैसे ही है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकते हो, आंसर आएगा 8 न्यूटन एंड 12 न्यूटन, ठीक है। चलो और एक सम देखते हैं, और एक सम करने का कोशिश करते हैं। अच्छा अभी ये सब में थोड़ा वर्टिकल मोशन हो रहा है, क्या बात है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक अपने को फाइंड करने का, टेंशन फाइंड करना है। अब देखो दो ब्लॉक है वर्टिकली कनेक्टेड है, कोई सरफेस वर्फेस पे नहीं रखा है, इसको इससे एक धागे से बांधा हुआ है और इसको ऊपर खींचा है 120 न्यूटन से, बराबर है, और हमने को क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, पहला सवाल मेरा हमेशा यही बनाएगा कि सिस्टम क्या है, क्या दोनों ये एक ही सिस्टम बना रहे हैं, तो आंसर इज यस, दोनों एक ही सिस्टम बना रहे, तो गारंटेडली दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहने वाला है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो चाहिए अपन वो यूज कर सकते हैं, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपन जो सेकेंड मेथड यूज करें, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास है कि नहीं, मेथड 2, दो मेथड मैंने बताया ना आपको, दो मेथड बताया, जिस मेथड से चाहिए उस मेथड से फाइंड, एक बार आपको सिस्टम पता चल गई तो कोई भी मेथड लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो जो चाहिए वो मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो नेट फोर्स देखते कितना है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भी गलत नहीं करना है बच्चों, बिल्कुल भी, ये वर्टिकल मोशन है। अब आप समझो 120 न्यूटन ऊपर की तरफ हो रहा है, ओके, तो क्या ये एक ही फोर्स लग रहा है, नहीं भाई, इसका वेट भी तो नीचे की तरफ लग रहा है, इसका वेट भी तो नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटी तो पुल कर रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पे जो एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी उसको क्या बोलते हैं, वेट, फॉर्मूला क्या है, mg, बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेट, mg। तो 120 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है पर नीचे की तरफ, तो इसका वेट तो नीचे की तरफ लग रहा है ना, जो कि mg है, तो m की वैल्यू कितनी है 4, g अपन हमेशा 10 लेते हैं, तो 40 लिखूं चलेगा, इसका भी वेट नीचे लग रहा है तो ये -20, स्ट्रिंग तो तेरी कैसी है, मास ले से तो उसका कुछ टेंशन नहीं है, अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना हो जाएगा 4 + 2, तो ये आंसर कितना आएगा 60/6, तो आंसर आने वाला है 10 m/s². मुझे लग रहा है ये काफी सिंपल हो गया। अभी अपने को स्ट्रिंग में क्या फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है। स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करने के लिए सबसे इजी तरीका क्या है, कोई भी ले लो, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे लग रहा है 2 kg जो सॉल्व करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो 2 kg से सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाएगा, मैं चाहिए तो दोनों से सॉल्व करके देखता हूँ। अगर मैं 2 kg से सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 2 kg, तो इसका FBD बनाऊंगा, तो मुझे पता है कि इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, वेट मतलब mg, तो आंसर कितना आएगा 20, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन क्योंकि इसको तो धागे ने पकड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर डायरेक्ट फोर्स कितने लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं, एक तो वेट लग रहा है और एक तो टेंशन लग रहा है, ये 120 थोड़ी इसके ऊपर डायरेक्ट लग रहा है, ये तो 4 पे लग रहा है, तो उसको लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ ये रेस्ट में है कि मूव हो रही है, तो भाई 124 से ये ब्लॉक सारे ऊपर जा रहे हैं, इनमें ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, मोशन तो ऊपर की तरफ हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना है 10, तो वो दिखाना पड़ता है कि भाई हाँ एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, और जिसकी वैल्यू कितनी है 10 m/s². आप समझ गए FBD आएगा बनाने को, मतलब FBD तो बनाओगे, प्लस आपको ये भी उसके बाजू में लिखना है बच्चों, ये उसके बाजू में लिखना है, ये अगर आप नहीं लिखोगे इसका मतलब कि ये रेस्ट में है, ऐसा आ जाएगा, ओके, अगर आप एक्सेलरेशन नहीं लिखोगे FBD के बारे में, तो हम मतलब समझ जाएंगे कि भाई बॉडी रेस्ट में, पर बॉडी मूव हो रही है, तो मोशन वाली बॉडी को हम एक्सेलरेशन हमेशा दिखाते हैं।
क्या मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, है कि नहीं? तो वाई एक्सिस पे कितना फोर्स हो रहा है, टी माइनस 20, क्योंकि ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है तो गारंटेडली ये बड़ा है इससे, मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो ये बड़ा है इससे, तो टी माइनस 20 इज इक्वल टू मास कितना है 2 kg, एक्सीलरेशन कितना है 10 है, तो टेंशन की वैल्यू 2 × 20 + 20, आंसर कितना आएगा 40 न्यूटन। वही अगर आप 4 kg से सॉल्व करने जाओगे बच्चों, अगर आप 4 kg से सॉल्व करने जाओगे तो कैसे आएगा, इसका एफबीडी बनाओ चलो फटाफट। एक तो इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है जो कि है 40 न्यूटन, एक तो लग रहा है ऊपर की तरफ फोर्स, ओके, जो कि है 120 न्यूटन, ओके, एक तो नीचे की तरफ टेंशन है, बराबर है, क्योंकि धागा नीचे है तो टेंशन नीचे की तरफ है, और मोशन जो है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ये एक्सेलरेशन है। फॉर्मूला तो वही रहेगा, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे फोर्स कितना है 120 ऊपर की तरफ, टी नीचे की तरफ, 40 नीचे की तरफ, मास उसका 4 है और एक्सेलरेशन कितना है 10। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया, 120 माइनस 40 इज 80, माइनस टी को उधर लेके जाओ तो वो प्लस टी हो जाएगा, प्लस 40 को इधर लेके आओ तो माइनस 40 हो जाएगा, तो टेंशन कितना आएगा 40 न्यूटन। सो एनी वे यू सॉल्व यू आर गोइंग टू गेट दी सेम आंसर बच्चों। मुझे लग रहा है बहुत इजी सम है, एफबीडी आपको एक बार ड्रॉ करने आया तो काम खत्म हो गया। चलो ये लास्ट सम की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो ब्लॉक और स्ट्रिंग के हमने सम्स कवर कर दिए, और भी आगे जाके ब्लॉक और स्ट्रिंग आएंगे, अलग अलग वैरायटी में आएंगे, तो धीरे धीरे करेंगे। इसमें भी क्लियरली दिख रहा है भाई, 3 मासेस है M1, M2 एंड M3, 2 स्ट्रिंग है T1, T2 और फोर्स लगा है। सारे वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं कि भाई फोर्स 60 न्यूटन है, M1, M2, M3 कितना, वो सब दिया हुआ है। स्मूथ सरफेस है, एवरीथिंग इज गिवन टू यू। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट दी टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड टेंशन T2 इफ ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल ऑफ सडन द स्ट्रिंग बिटवीन M1 एंड M2 स्नैप्स। पहले तो T1 T2 फाइंड करना है, और बोलते फिर से T2 फाइंड कर अगर ये दोनों के बीच में का स्ट्रिंग क्या हो गया, टूट गया तो। ओके, तो चलो ठीक है, पहला तो पहला ये वाला चीज फाइंड कर लेते हैं, T1 T2 फाइंड कर लेते हैं। चलो पहले तो मुझे बताओ सिस्टम बच्चों, सिस्टम सोचो क्या है, क्या ये तीनों ब्लॉक एक सिस्टम बना रहे? तो आंसर इज यस, तीनों एक साथ मूव होने वाले, तीनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। तो चलो सर ने बोला एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। फोर्स कितना लग रहा है 60, टोटल मास कितना है M1 10 है, उधर लिखा है वैल्यू M2 20 है, M3 30 है, तो ये आंसर कितना आने वाला है, ये आंसर आएगा लगभग 1 m/s² के आसपास, ठीक है? अभी एफबीडी बनाते हैं, चलो M1 का एफबीडी बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स ही दिखाएंगे, वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल मोशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, क्यों दिखाना है, नहीं दिखाना है, वो पिछले वाले सब में हो रहा था इसलिए दिखाया था, इधर तो डायरेक्ट कर सकते हो। अच्छा ये T1 है बच्चों, एक ही फोर्स इसके ऊपर साले एक ही फोर्स लग रहा है T1, वो भी उस तरफ, और यहाँ पे आई कैन से मोशन इस तरफ हो रहा है, एरो दिखाया एक्सेलरेशन का, तो समेशन ऑफ नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। कितने फोर्स लग रहे भाई, T1 लग रहा है, मास कितना दिया हुआ M1 का 10 और एक्सेलरेशन कितना है 1, तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी, T1 की वैल्यू आएगी 10 न्यूटन। सिंपल, अभी अपन ने ऐसे ही सम किया। चलो फिर अभी मुझे बताओ M2 से फाइंड करना चाहोगे कि M3 से, तो एनी वे इट इज पॉसिबल, M2 और M3 किससे भी फाइंड कर सकते हो। चलो M2 से फाइंड करते क्योंकि फर्स्ट सम ने अपन M3 से फाइंड किया, तो M2 से फाइंड करेंगे तो ये T2 है, ये इस तरफ T1 लगा अवे फ्रॉम दी ब्लॉक है, याद रखो टेंशन कैसे लग रहा है, अवे फ्रॉम दी ब्लॉक। मोशन किस तरफ हो रहा है, उस तरफ हो रहा है, फोर्स जिधर लगा उस तरफ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है? फॉर्मूला वही है, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे फोर्स कितना है T2 - T1, समझा? सर आपने T1 - T2 क्यों नहीं लिखा, आपने T2 - T1 ही क्यों लिखा, ऐसे बच्चे सोचेंगे भाई मोशन किस तरफ हो रहा है, उस तरफ हो रहा है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1 रहेगा गारंटेडली। तो ये एरो डालने से ये भी पता चलता है कि कौन बड़ा है, तो अगर एक्सेलरेशन उस तरफ हो रहा है तो T2 इज ग्रेटर देन T1, तो T2 - T1 आना चाहिए इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो वैल्यूज डालते हैं, T2 मुझे फाइंड करना है, ओके, T1 की वैल्यू कितनी मिली है 10, मास की वैल्यू कितनी है इसकी
m2 की वैल्यू 20 है और एक्सेलरेशन कितना है 1, तो t2 की वैल्यू आएगी 30 न्यूटन। वही सेम चीज आप m3 से भी निकाल सकते हो, चाहिए तो आप ट्राई करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी सेकंड इसमें अगर वो बोल रहा है कि दूसरे पार्ट में कि भाई इन दोनों के बीच में ये जो t1 है टेंशन है वो स्नैप हो गया, मतलब टूट गया। अब ये टूट गया मतलब ये सिस्टम से बाहर चला गया। सोचो ना बच्चों, अगर ये टूट गया स्ट्रिंग तो ये सिस्टम से बाहर चला गया, तो अभी बचेगा m2 और m3 दो ही, तो एक्सेलरेशन तो चेंज, मतलब अभी गारंटेडली t1 की वैल्यू कितनी हो गई है, जीरो हो गई है कि नहीं। t1 की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, क्योंकि ये तो चला गया। तो अभी एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन क्या है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। फोर्स कितना लग रहा है, तो ये तो 60 लग रहा है, और मास कितना है, दैट इज 20 प्लस 30। यू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव रिटन 20 प्लस 30, क्योंकि ये तो है ही नहीं ना, वो तो खींच ही नहीं रहे, तो बाहर चला गया सिस्टम से। तो ये 60 अपॉन 50, 6/5, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों एक बार आपको एक्सेलरेशन मिल गया तो मुझे बताओ, टेंशन आ गया, एक्सेलरेशन मिल गया, फिर मुझे बताओ कि अपने को क्या फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है। तो चलो फाइंड कर लेते T2। तो ये M3 निकाला मैंने, या M2 से इजीली मिलेगा ना, M2 से इजीली मिलेगा, क्योंकि M2 से एक ही फोर्स लग रहा है T2, M3 पे दो दो फोर्स लग रहे हैं, तो M2 से आंसर निकालो, ज़्यादा ऐसा है, मोशन उस तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है। तो T2 समेशन ऑफ ऑल द फोर्स अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। तो इस पे तो एक ही फोर्स लग रहा है, इसका मास कितना दिया हुआ है 20 और एक्सेलरेशन कितना है 1.2, तो ये आंसर कितना आएगा 24 न्यूटन। तो मुझे लग रहा है ये सारे सम्स जो मास और ब्लॉक वाले वो हमने खत्म कर दिए बहुत सक्सेसफुली। आई होप यू अंडरस्टूड। और कुछ भी अगर डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन क्लियरिंग योर डाउट्स ऑल्सो इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।